हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कर्म से क्रांति। एग्जामपुर बैंकिंग यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली, राइट। चलिए, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे आज फोटो लगी हुई है किनकी, एक तो आपके प्यारे राजीव सर और दूसरे चश्मे वाले सर, कौन, संदीप सर, ठीक है। इन दोनों की बैक टू बैक क्लास ये, लेकिन एक एक दिन में, जैसे कि आज की जो मैराथन होने वाली है धमाकेदार होगी क्लास बच्चे, किसकी, राजीव सर की, और उसी तरीके से कल होगी किनकी, तो संदीप सर की। जरा मैं डिटेल दे देता हूं एक बार आप लोगों को। तो ये हमारे प्यारे राजीव सर ये करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार सेशन लेके आने वाले हैं बच्चे, नॉन स्टॉप एकदम धुआंधार सेशन होगा 15 फरवरी यानी आज, आज होगा रात 10 बजे। कोई भी बच्चा जुड़ना ना भूले और खाना पीना खाकर टाइट रहे, बिल्कुल तैयार रहे। और उसी तरीके से आपके प्यारे हमारे फेवरेट कौन, संदीप सर की भी क्लास होनी है बेटा, रीजनिंग, बहुत ही धमाकेदार शानदार क्लास होगी बेटा। तो ये आप लोगों का टॉपिक रहेगा ऑर्डर रैंकिंग का, ठीक है सर। ऑर्डर देते रहते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग, रैंक में सबको बुलाते हैं और सबको ऑर्डर देते हैं, आप ये करो। मीटिंग में इनका अलग ही रुतबा होता है, तो ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग नॉन स्टॉप धुआंधार चलेगी क्लास, तो संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास में 16 फरवरी रात के 10 बजे। तो बेटा जुड़ना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है। तो रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक संदीप सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सुबह 6 बजे तक, रात के 10 से सुबह 6 बजे तक संदीप सर सुन पा रहे हैं हमारी बात, रात के 10 से सुबह 6 बजे तक। सर जो है मेरे को घूर रहे हैं कि सर जी क्या कह रहे हो आप, सुबह के 6 बजे तक, तीन दिन तक उठेंगे नहीं हम सोए तो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि बेटा अगर आप लोग किसी भी कोर्स में अभी इनरोल करते हैं, आप चाहे एनडीए के स्टूडेंट हो सकता है आपका कोई ऐसा दोस्त हो, भाई हो, जो कोई बहन हो आपकी, कोई कजन हो जो कि टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रही हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रही हो, या फिर जो है एसएससी के, या फिर कोई और अदर एग्जामिनेशन के, डिफेंस वगैरह की, तो बेटा आप पेड बैच परचेज कर सकते हैं एग्जामपुर यूट्यूब, सॉरी एग्जामपुर एप्लीकेशन से, ऑफिशियल एप्लीकेशन एग्जामपुर का, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको कीजिए डाउनलोड। और वहां पे आप जब भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो Dream 45 आप ये कोड लगाइए और पाइए 45% का डिस्काउंट हाथों हाथ। चलिए, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। अरे हाँ, ये वाला तो बताना रह गया, ये हमारा न्यू टाइम टेबल है बच्चों, ठीक है। ये वाला पिछली बार जो मैं बता रहा था उसमें 3 PM लिखा था, जो कि अपडेट हुआ है, ये 4 हो गए, ठीक है। तो महिपाल सर सब, ये हमारी पूरी एससी की क्लास होती है, देखो किस क्रम में होती है मैं एक बार बता देता हूं। ये इस क्रम में हमारी क्लासेस चलती है, सबसे पहले आते हमारे प्यारे महिपाल सर जो कि 4 बजे क्लास लेते हैं, उसके बाद आती है आपकी प्यारी नैन्सी मैम, राजीव मिश्रा सर 6 बजे क्लास लेते हैं, उसके बाद संदीप सर आते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ लिखा डैशिंग इंटेलिजेंट और हैंडसम आर के मैथो सर, और उसके बाद आते हैं आपके 9 बजे मनीष गुप्ता सर, ठीक है। तो इस क्रम में आपकी लगातार टोटल क्लास होती है बच्चे, रात के 10 बजे तक लगातार क्लास चलती है, और उसके बाद मैराथन, उसके बाद तो मैराथन, बच्चों की डिमांड है भैया, हल्के में लेगा बच्चों को। चलो, आज का टॉपिक चल रहा है बच्चे एडजेक्टिव, प्रोनाउन की एक क्लास लगी और पूरा प्रोड़ा प्रोनाउन हमने उखाड़ के फेंक दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया एक ही बार में, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, आते जाइए, केशव भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया केशव जी, आते आइए। ओके, आप में से कौन कौन ऐसा है, कौन कौन बच्चा जो नया है, कौन कौन ऐसा बच्चा है सर आईफोन में नहीं है एप्लीकेशन, बेटा iOS पे भी अवेलेबल है, ठीक है, iOS पे अवेलेबल है, वहां से ढूंढ लीजिएगा स्मार्ट आर के सर जी, धन्यवाद जी, ठीक है। आप में से कोई ऐसा प्राणी है जो नया है मेरी क्लास में, एक बार जल्दी से बताइए, और ये भी जरूर बताइएगा आप किसके रेफरेंस से हैं, ठीक है। नैन्सी मैम ऐसे बोलती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अबे तुम लिख के बताते हो पूरी लाइन चलो सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना। चलिए सर, 1-2 स्टेट में फॉर्म, ओहो आपके ना ये जो सवाल जवाब है इनका जवाब आपको अभी संदीप सर दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। गुरुजी जरा संभाल लो बच्चों को, अपने बच्चों को संभालो जरा, ठीक है, अपने बच्चों को संभालो जरा, नहीं घर में शादी का जब बच्चे होते हैं तो इनकी वाली कहते हैं, अरे देखो लल्लू शोर मचा रहा, संभालो इसे, तो कहते हैं अरे हम क्लास बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तुम डिस्टर्ब कर रही हो हमें। संदीप सर डिस्टर्ब करो, पीपीटी बना रहे बच्चों के लिए। चलो देखो बेटा, तो एडजेक्टिव सीखने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बच्चा लेट आएगा इससे ज्यादा उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको बोलते क्या है ये बताओ,
आप कहोगे सर एडजेक्टिव, गजब। एडजेक्टिव नहीं होता, जे को कर दो साइलेंट, इसको हटा दो, जे को पढ़ो ही मत। मान लो या जहां यहां पे जे लिखा ही नहीं है, अब पढ़ो क्या बना सर, बना एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब जे कह रहा हूं, सॉरी डी मिटाना था, एडजेक्टिव हो गया ये तो, सॉरी गलती से मौतें निकल गई यहां पे, एक्चुअल में जे बोल दिया मैंने। हमारे हमारे बगल में आपके प्यारे संदीप सर बैठे ना, मैं घूर के देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए डर के मारे डी की जगह मैंने जे काट दिया। अब पढ़ो, डी काटना था, आप पढ़ो क्या बना एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है बच्चे कि यहां पे इसको एडजेक्टिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। यस सर मैं बहुत दिन बाद आई हूं, अरे वाह बहुत दिन बाद आई हो बेटा, मैं देख पा रहा हूं आपको, आपका कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम है, आइए आइए बिल्कुल आइए, ठीक है। चलिए बहुत सही बेटा, बहुत सही। चलिए अब मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ये पढ़ाना बताना सिखाना स्टार्ट करता हूं, सभी लोग बिल्कुल कान खोल के सुनते रहिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां से था, ठीक है। दिमाग लगाइए और आंसर पाइए अपने आप। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसमें एडजेक्टिव आपको कहां कहां दिख रहा है, जल्दी से सारे बच्चे एक बार एडजेक्टिव ढूंढिए इसमें, फाइंड द एडजेक्टिव्स जो आपको लगता हो। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपका दिमाग देख रहा हूं कि आपको कितना पता है, आपको कितना आता है, अपने हिसाब से आप पहले एक बार जल्दी से इसमें एडजेक्टिव ढूंढ के दिखाइए। मैं साइड हो जाता हूं, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, मैं साइड हो चुका हूं, जल्दी से आप लोग अपने अपना आंसर करके बताइए कि क्या लग रहा है इसमें एडजेक्टिव कहां पे है और कहां नहीं है, जल्दी से बताइए फटाफट। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए बेटा, और जितना हो सके शेयर भी कीजिए, फुल ऑफ एनर्जी बेटा, बिल्कुल एनर्जी के साथ चलेगी चीजें, शेयर करते रहिए, ओके, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल संदीप सर, ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया। बाय द वे संदीप सर ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम कह सकते हो, बहुत बढ़िया। और बताओ स्पेशल, ठीक है, और नहीं दिख रहा, बस दो ही, संदीप सर स्पेशल भी हैं और ब्यूटीफुल भी, दोनों एडजेक्टिव मिल गए। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, स्पेशल तो बहुत है, अब ब्यूटीफुल तो गदाई कतई गजब वाले। बाई कब से हो गया बेटा, कमाल की बात कर रहे हो तुम भी, यहां तो लिखा भी नहीं है वैसे बाई तो, अच्छा बाई यहां लिखा, बाई को एडजेक्टिव पढ़ रहे हो आप, ना ना मुन्ना, अच्छा। रोहित अग्रवाल 90% गर्ल मेकअप से ब्यूटीफुल है, वाओ गजब एक्सपीरियंस देख रहे हो छोरे का, अभी कल ही निकला बेटा तुम्हारा दिन। चलो टाइम अप, बस बहुत कर ली कोशिश आप लोगों ने, बहुत कर ली कोशिश। टोटल कितने ढूंढ पाया, एक दो तीन चार, चार ही ढूंढ पाए, कौन कौन सा, ऋतिका कह रही है ब्यूटीफुल कंपोज्ड स्पेशल और मेंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा ऋतिका, बहुत अच्छे शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत आंसर आपका। देखो यहां पे आपने जो बताया कंपोज्ड बेटा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा बताया मेंबर बेटा वो नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आंसर गलत बता चुके हैं। अब मैं आगे की बात बता, तो ध्यान से सुनिए, कोशिश सबको करनी है मेरी क्लास में, कोशिश सारे बच्चे करें, ठीक है। कोई भी फोन लेकर के कैलकुलेट ना करे, चुपचाप से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल। अब मैं बताता हूं, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, समझे, कोशिश करते रहा करो, सेंटेंस चाहे सही हो गलत हो, जो आप बता रहे हो चाहे सही आया हो गलत आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ थोड़ी इंसल्ट हो जाए अलग बात है, हार कभी नहीं होती है। चलो अब मैं आगे बताता हूं इनमें एडजेक्टिव कौन सा था। अब यहाँ पे आप लोगों ने दिमाग लगाया, सर एडजेक्टिव यहाँ पे ब्यूटीफुल है क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। कोई सत्या जी को ब्यूटीफुल नहीं बोलेगा, पहले बता दूं, ठीक है, स्माइल अच्छी है, इसका मतलब आप कुछ भी कहोगे उन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये हमारा एडजेक्टिव दिख रहा है, ओके। उसके बाद फिर आपने बात कही कि सर स्पेशल, हाँ जी ये भी होता है कि कोई बड़ा स्पेशल बंदा है, है ना। अच्छा सर इसके अलावा तो मिल ही नहीं रहा, इसके अलावा तो मिल ही नहीं रहा, तो चलो मैं बताता हूं, इसके अंदर इतने सारे एडजेक्टिव थे बेटा कि आप ढूंढते ढूंढते उंगलियां कम पड़ जाएगी आपकी। बताते हैं आपको, देखो एडजेक्टिव कैसे मिलता है, एडजेक्टिव को ढूंढने के दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के, ठीक है, दो रास्ते हैं एडजेक्टिव को ढूंढने के। पहला तो ये, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं, और ये वो डायलॉग है जो आपने पैदा होते ही सीख लिया था स्कूलों में, ठीक है।
ये थर्ड क्लास के बच्चे को नर्सरी में सिखाई जाती है बात कि जो भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, जैसे कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो टॉल है, वो अगली है, ठीक है, या फिर इसके अलावा वो इंटेलिजेंट है, वो ब्रिलियंट है, हमारा सत्तू जो है बहुत टॉल है, ठीक है, देखो हंस रहे हैं ये, ठीक है, बहुत टॉल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हैंडसम है, हम लोग हैंडपंप है, मतलब जो भी है विशेषता वो जो है हमारा एडजेक्टिव हो रहा है। लेकिन किंतु परंतु इसके अलावा एडजेक्टिव कहां है सर? ये तो चलो पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है और ये भी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, एडजेक्टिव पूछ रहा हूं ना, आप सीधा क्या ढूंढो? नाउन। क्या ढूंढो? नाउन। अब चेक करो, यहां फ्रेंड नाउन है, यस सर, यानी कि इसके आगे क्या लिखा है? हिज, ये एडजेक्टिव है, ये तो था ही था, ये तो था ही था, इसको छोड़ दो। उसके बाद सॉन्ग नाउन है, यस सर, दिस एडजेक्टिव है। अंकल नाउन है, यस सर, हर एडजेक्टिव है। चाइल्ड नाउन है, यस सर, एवरी एडजेक्टिव है। मेंबर नाउन है, यस सर, नो एडजेक्टिव है। उसके बाद और आगे बढ़ो, फ्रेंड नाउन है, यस सर, माई एडजेक्टिव है। कॉइन नाउन है, यस सर, सम एडजेक्टिव है। और पॉकेट नाउन है, यस सर, तो हिज एडजेक्टिव है। तो भैया सीधी सी बात है, या तो वो किसी की विशेषता बताए तो वह एडजेक्टिव होता है, और या तो नाउन से ठीक पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव होता है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतने ध्यान से सुनना जितने ध्यान से भी हमारे सत्तू जी सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से बिल्कुल, कि नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। एक तो वो एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बता रहा है, तो उसके बाद नाउन आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे जो ऐसे वाले एडजेक्टिव होते हैं इनका ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। तो नाउन से जस्ट पहले कोई भी शब्द है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन लेकिन किंतु परंतु एक बात का ख्याल रखना, ठीक है, पहले तो लिख लो, एनीथिंग दैट कम्स, जल्दी से छापना बच्चे, जल्दी से छापना, एनीथिंग एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन, जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि नाउन से ठीक पहले आने वाले कोई भी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, कुछ बातें छोड़ के। ध्यान से सुनना, कौन सा? बिल्कुल, क्या बात है, इनको तो याद है, बहुत बढ़िया बेटा रोमियो, शाबाश, कल सिखाया था मैंने ये वाला, ठीक है, कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चे भूल गए, बहुत अच्छे। देखो तो मैंने क्या बताया, एनीथिंग दैट कम जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, लेकिन कुछ बातें छोड़ के। नोट नोट, 500 रुपए का नोट, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, नोट क्या क्या है, ए सी पी अर्जुन है ना, ए सी पी एन, याद रखना सर, ये ए सी पी एन क्या होता है? ए का मतलब होता है बेटा आर्टिकल, सी का मतलब होता है कंजंक्शन, पी का मतलब होता है गुरुजी प्रीपोजिशन, और एन का मतलब होता है नाउन इटसेल्फ, खुद नाउन। नाउन से पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव होता है इन चार को छोड़ के। क्या बोला मैंने? इन चार को छोड़ के, नाउन से पहले जो आ जाए कतई आंख बंद करके कह देना एडजेक्टिव है। जल्दी छापो, जल्दी छापो बेटा। हाँ बेटा रोमियो, बिल्कुल सही जवाब आपका, करते जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम नहीं पूछते हैं कि सर कब बताया था, बेटे बेटे, पुत्री पुत्र, जो भी हैं आप, सुनो ध्यान से। आपने कल जब प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें सेकंड नंबर वाला प्रोनाउन खोलो, सेकंड नंबर वाले प्रोनाउन में मैंने पॉजिटिव सिखाया, पॉजिटिव वाले प्रोनाउन के अंदर मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिखाया। याद करो, याद करो बेटा, वो दिन याद करो, कल ही सिखाया था, माई योर हिज हर आर देयर इट्स। एडजेक्टिव को पार्टिसिपल भी बोलते हैं बेटा, पार्टिसिपल को एडजेक्टिव बोलते हैं। छाप लिया गुरुजी, चलो। हाँ बेटा रोमियो, बिल्कुल सही, छाप लिया सर जी, स्माइली के साथ बोला करो, मुझे अच्छा लगता है, खुश चेहरे। देखो मेरे को ना खुश मिजाज लोग बहुत पसंद है, जो खुश रहते हैं, यार रोने धोने वाले होते हैं ना, मन करता दो बार झापड़ मारो, अपनी जिंदगी का रोना लेके घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसी तो जिंदगी में परेशान, अबे आप शब्द क्या, जिंदगी में परेशान है मतलब किसी को, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में कितनी टेंशन है,
ठीक है, कितनी टेंशन है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस आप कितने कामयाब हो उससे फर्क पड़ता है। तो भैया ये बताओ कि तुम अपनी टेंशन लोगों को लेके घूमता रहोगे तो क्या कोई तुम्हारे मतलब आएगा, आ जो भैया मेरे गले लग जा, हाँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, अरे कभी नहीं है, कमाल है, अरे खुश रहा करो एकदम। देखो व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है, ये कामयाबी का नियम होता है। और सीरियस बैठे रहोगे बिल्कुल तो भैया कोई ना पूछता, समझे, टेडी बियर की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हंसते रहो बिल्कुल, खिलखिला दो, आगे बढ़े अब बिल्कुल ऐसे करके जवाब दिया करो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव थे। तो ये आप लोगों को मिल गए, अब मिल गए तो वापस आ जाओ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सर जो एक्सेप्शन था उसको भी छुड़वा दो। अब एक्सेप्शन देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा मीटिंग, मीटिंग क्या था सर, नाउन था, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव होता है, लेकिन देखो द क्या निकला, आर्टिकल, आर्टिकल मैंने अभी मना किया ना पीछे, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये आया वन, ठीक है वन, अब इसके आगे जस्ट देखो क्या लिखा, बाय, ये प्रीपोजिशन है, हटाओ इसे, मैंने बताया ना मैंने ये सब चीजें हटा के। और इसके अलावा यहाँ पे इन लिखा है, अगर हिज पॉकेट एक नाउन कहेंगे पूरा तो ये इन हमारा प्रीपोजिशन है, हटाओ इसे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का कोई भी आएगा उसको हटा दो फटाफट, आप इसमें ढूंढो, आप इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, अपने आप दो। मिल गओ सर जी, अब बेटे मिल गओ, शाबाश करते रहिए सारे लोग। सर एक बार वापस समझाओ, समझा दो उनको, आपको सत्तू की कसम। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो अभी अभी समझाते हैं पक्का। हमारे सत्तू फ्री आ रहे तो हैं, बताओ हद है। खुशी, खुशी नाम है, खुशबू, खुशी, खुशी सैनी, बहुत प्यारा नाम है, नाम में खुशी है। फटाफट 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 बताओ बच्चे, हाँ जल्दी जल्दी, ठीक है चंदू, हाँ बेटा चंदू आंसर को आंसर करो, छोटा किलचोर, अबे ये क्या है छोटा किलचोर, अबे कैसे कैसे नाम रखते हो छोटा किलचोर भाई, कैसे कैसे नाम रखते हो छोटा किलचोर नाम सुन के हंसी आ जाती है। ऋतिक आ गया, मेजवीन, सचिन, राहुल, कीर्ति, अंकिता, ललिता, तनु, दिवाकरा, भावना, कंचना, राजू श्रीवास्तव, ठीक है ठीक है, छोटा किलचोर, हितेशी, अभिरंजन के ब्लॉक्स, पुष्पा, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया, करते जाओ करते जाओ, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। हो गया, चलो 5-10 सेकंड और दूं, ढूंढ लो फटाफट। सर एक बार बंगाली बोलते तो अच्छा, ई चोलवे ना, ई ना चोलवे, तारा तारी करो, ई कोथाई ना चोलवे, ठीक है, कह रहे सर एक बार बंगाली बोलो, हाँ दादा दादा बाबू मोशा है, होइएगा चे तारा तारी। द को एडजेक्टिव कौन बना रहा है अब, ये द को कौन बोला एडजेक्टिव भाई, होइएगा चे, ओके। देखो अब कैसे करना है, अब एडजेक्टिव को इसमें फाइंड आउट करना तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, मुगली घुट्टी 555 दे चुका हूं आपको, अब जरा करते हैं इसको, है ना, तारा तारी तारा तारी। अब देखो यहां पे हिज सिस्टर बॉट अ टॉर्न बुक, अब यहां पे एडजेक्टिव क्या है सर, हर है, टॉर्न है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद डाउटलेस है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हिज है, और दिस है, और योर है, और इसमें तो है नहीं, रुक जाओ अभी, अच्छा इसमें देखते हैं, और
और हाँ क्रॉलिंग है, और बस, और नहीं है, और नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है, तो बस इतना ही है, राइट, इतने एडजेक्टिव थे, और नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कौन कौन समझ गया ये और वाला, ये भी खतरनाक, नहीं खतरनाक नहीं था, और बेचारा तारीफ कर करके पक गया, फिर भी और देखो यहां पे सिस्टर नाउन है, हर एडजेक्टिव हो गया, राइट, उसके बाद बुक नाउन है, टॉर्न एडजेक्टिव हो गया, ब्रेवरी तो खैर खुद नाउन था, शहीद सरदार भगत सिंह ये नाउन है तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, ब्रेवरी नाउन है, द आर्टिकल हो गया, इसको तो छोड़ दो, आर्टिकल प्रीपोजिशन मैंने मना ही कर रखा आप लोगों को, है ना, और आगे बढ़ो, डाउटलेस ये हमारा एडजेक्टिव है, ये तो पता ही है, जैसे ब्यूटीफुल होता है वैसे डाउटलेस वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, और तो यहाँ पे फ्रेंड नाउन है तो हिज एडजेक्टिव हो गया, एड्रेस नाउन है दिस एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंड नाउन है योर एडजेक्टिव हो गया, ट्रूथ नाउन है, अरे ये तो द है, आर्टिकल है, आर्टिकल छोड़ो, उसके बाद और हाँ रूम नाउन है तो द आर्टिकल है छोड़ो, और शी तो प्रोनाउन है, और स्नेक नाउन है तो आर तो आर्टिकल है, लेकिन क्रॉलिंग कैसे एडजेक्टिव है अभी बताता हूं, फ्लोर नाउन है और तो फ्लोर नाउन है तो ये द हमारा आर्टिकल है, तो इसको एडजेक्टिव तो बोलना नहीं है, ठीक है, ये वाला बस, बाकी अब क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है तो एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं, क्रॉलिंग वाला भी समझाऊंगा, बाकी पूछ लो अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ बेटा जल्दी बोलो, चंदू क्लियर है बेटा, चंदू बहुत हंसी आ रही है बेटा, तुम ज्यादा समझ रही हो लग रहा है, और वो पूछ रहा है रोमियो की सर और वाला केस क्या है सर, बेटा कौन कौन ये समझा और वाला, एक बार इसको जरा समझा दो कौन था वो और ये लगता है इसका मतलब बहुत भोला वाला बच्चा है जो भी है, वो कह रहा है कि सर ये और वाला क्या है, हा? बाकी बच्चे समझ गए, खूब हंस रहे हैं, चलो आगे बढ़े, ठीक है सर, ओके, क्रॉलिंग में डाउट बाकी है बस, बाकी सब ओके है, ठीक है, नो दिक्कत, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरा सब ठीक है, बस वही वाला केस रह गया, ओके बहुत बढ़िया, और चलो बहुत बढ़िया, अब मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं कि वो वाला कैसे आया था, सर आप इतने अच्छे से समझाते हैं, डाउट कैसे रह गया, कैसे रह सकता है किसी का, चलिए धन्यवाद, धन्यवाद जी, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो, देखो ध्यान से सुनो आप, यहां पे ये कैसे एडजेक्टिव आया, दो मिनट के लिए इसको आपको मौन व्रत रखना पड़ेगा इसके लिए, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्रॉलिंग एडजेक्टिव कैसे है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम की एक चीज होती है इस दुनिया में, ये वही है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, बाकी जो आप समझ गए ना ये और अभी बताते हैं, अब आपको ये एडजेक्टिव का मामला क्लियर हो गया, एडजेक्टिव को कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव जो होता है, अगर आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो बेटा पक्की बात है कि आपने एडजेक्टिव भी साथ में पढ़ा है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोनाउन के टाइम में मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो कई सारे ऐसे प्रोनाउन थे जो कि आपके एडजेक्टिव से मिल रहे थे, काफी सारे ऐसे थे जो एडजेक्टिव के साथ इक्विवेलेंट थे, जैसे कि मैंने जब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ाया तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी था और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, जो उसके बाद फिर मैंने आपको इसका पॉजिटिव सिखाया, फिर आपको इसका मैंने इम्फेटिक सिखाया, मतलब काफी सारे मैंने आपको वो सब चीजें बताई जो कि इन दोनों में क्या है, दोनों के अंदर सेम है, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्रोनाउन डिटेल में पढ़ा है तो आप लोगों को पक्की बात है कि वो सारा का सारा मामला वहां पे क्लियर है, लेकिन अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो क्लास देखे बिना आपको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो इसलिए वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, राइट, अभी फिलहाल आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर, और वाला समझा दीजिए, चलिए बता देंगे आगे, अब एक बार जरा इसका आंसर मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग बताना कि आपको क्या लग रहा है इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप पहले अपने मन से कोशिश कर लो, फिर मैं बताता हूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, ये सारे मीम्स तो हमारे सत्तू भी समझते हैं, वो बाकी समझ गया, एक ही बच्चा नहीं समझ पा रहा है, और इसका क्या मतलब है, और
हाँ ये सब तो आप भी समझते हो। चलिए सर जी, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा साफ साफ मतलब आपको मिरर में एडिटर साहब भी दिख रहे हैं फिर तो। चलिए हो गया ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। देखो कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश की। चलो मैं बताता हूं, महाराणा प्रताप वॉज द फेमस किंग फॉर हिज ब्रेवरी। अब देखो यहां पे इसकी मिस्टेक क्या है, कहां पे एरर है, किस किस तरीके से बताता हूं ठीक है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा इसका। अभी देखो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि सर जी यहाँ पे हमारे पास नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए और आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे वाह जा तो रही है और क्या चाहिए, जान लोगे बच्चे की। देखो यहां लिख के बताता हूं, महाराणा प्रताप वॉज द फेमस किंग फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल कान खोल के, ऐसा समझाऊंगा कसम सत्या की भाई साहब, आज की क्लास के बाद आप जिंदगी में अपना नाम एक पल को भूल सकते हो, अपनी वाली का नाम भूल जाओगे लेकिन ये नियम नहीं भूल पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं कहानी की तरह रिलेट करके बताऊंगा कि बेटा आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि सर यहां पे नाउन हमारे पास क्या आ रहा है, सर किंग आ रहा है। नाउन क्या आ रहा है, सर किंग आ रहा है। नाउन से पहले क्या लिखा है, सर फेमस, ये होता है एडजेक्टिव, होता है कि नहीं होता, यस सर एडजेक्टिव होता है। सर सेंटेंस सुनने बोलने पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। अरे बाकी टीचर भी आए क्या, तो तुम जो सबको हाय हेलो कर रहे हो, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं किसी को कमेंट बॉक्स में है? चलो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है सर। नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है सर। लेकिन लेकिन किंतु परंतु अब देखो बेटे, बड़ा ही जानदार शानदार धमाकेदार आएगा, हंसी कंट्रोल कर सकते हो तो कर लेना ठीक है, गारंटी दे रहा हूं। और ये डेडिकेटेड है राजीव सर को, संदीप सर को ठीक है, नहीं संदीप सर भोले वाले हैं, राजीव सर को ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह है हमारा नाउन, बड़ा प्यारा सा एक है नाउन। नाउन से पहले आता है क्या, एडजेक्टिव ठीक है, एडजेक्टिव राइट। ध्यान से सुनते रहिएगा बिल्कुल ठीक है। अभी राजीव सर की क्लास होगी ना, उनको बताइएगा क्या आर के सर ने जो आपका एग्जाम्पल लिया था बड़ा तगड़ा वाला ठीक है, वो मारेंगे पकड़ के मुझे, फिर अगले दिन कहेंगे सर जी बताए तो मैं रुक जाओ, फिर वो मेरा एग्जाम्पल लेंगे लपेट लपेट के। ध्यान से सुनो, देखो नाउन जो होता है ये समझ लो एक तरीके से है हस्बैंड, क्या है हस्बैंड, और वो भी ऐसा बैंड जिसको हंस हंस के बजाया जाए, नाम में ही बेचारे के बैंड बजी पड़ी है, अब सोच लो। और हमारा सत्तू कह रहा सर मेरी शादी नहीं हो रही, बताओ वो अलग टेंशन में है ना, तो ना ही करो तो अच्छा है फिलहाल। अच्छा ये जो एडजेक्टिव होती है ये होती है क्या, वाइफ, हमेशा आगे रहती है इससे, भगवानों तक में नहीं छोड़ा यार, देखो गौरी शंकर सीताराम राधे कृष्ण सब में पहले मैडम है उसके बाद सर आते हैं ठीक है। ये है हस्बैंड जिनके नाम में ही बैंड बजी हुई है ना। एक ये बात मुझे एक बच्चे ने बताया, 18 साल का आया, अरे ये भैया एक बात बताओ, मैंने कहा बोल, पता है आपका हस्बैंड का मतलब, मैंने कहा नहीं, कह रहा हस्बैंड का मतलब जिसकी हंस के बैंड बजा दे उसको हस्बैंड बोलते हैं। और भाई साहब लोट पोट होकर हंस रहा है, मैं उसकी तरफ घूर के देख रहा हूँ, अरे भाई तू कहाँ सीखता है 18 ठीक है। उसके बाद देखा कि भैया हंसे नहीं, तो कहता
सर जी पता है आपको वाइफ की फुल फॉर्म क्या है? मैंने कहा नहीं। बोलता है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, और खूब हंस रहा है। मैंने कहा बेटा बात तो तेरी सही है, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू तो सीखा कहां से ये बता। मैंने कहा अठन्नी साल तो है, मतलब अभी ठीक से पैदा हो जा, पहले मतलब ठीक से पैदा नहीं हुआ वो, और वो इस सारी बात पे ज्ञान पेल रहा है मुझे, ठीक है। मतलब उसके पूरे मतलब सर के अलावा पूरे शरीर पे कहीं बाल नहीं, और वो बच्चा मेरे को ज्ञान दे रहा है। मैं दाढ़ी मूछ की बात कर रहा हूँ, वो बच्चा मुझे इतना छोटा है वो, और वो मुझे कह रहा है। मैंने कहा बेटा सीखता कहाँ से, कह रहा स्कूल से। मैंने कहा बेटा देश संकट में है, इसका मतलब संकट में है देश, बताते हैं तुम्हें। खैर अब आगे बढ़े, मैंने कहा बात तेरी ठीक है लेकिन मामला गलत है, सीखा कि तूने गलत उम्र में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपना नाउन यानी कि हस्बैंड और वाइफ एडजेक्टिव आगे है, ठीक है, हमेशा आगे रहती है, बिल्कुल सर। अब एक दिन की बात है भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया, गजब मामला, बहुत अच्छा। अब एक दिन की बात है कि अब जो है ये वाइफ जो है अपने मायके चली गई कोई एग्जाम देने, ठीक है, अपना होगा एसएससी एसएससी का, कंप्यूटर का, या कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम, ठीक है, या अपनी तैयारी करने, या कोई एग्जाम एग्जाम देने के लिए। अब ये बेचारा तन्हा तन्हा कब तक रहे, कब तक जिए, है ना, तन्हा दिल तन्हा सफर, क्या करे, ठीक है। अब ये बेचारा नाउन तन्हा, देखो सत्या बड़े ध्यान से सुन रहे हैं हमारे, अब ये नाउन तन्हा एडजेक्टिव यानी कि जो उसकी वाइफ है वो चली गई भैया अपने मायके, ठीक है, कोई पेपर वेपर देने चली गई, ये बेचारा तन्हा जिए। अब देखो इसकी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, कैसे खुशहाली आने वाली है, इसके पड़ोस में एक आई नई पड़ोसन, ठीक है, इसके पड़ोस में एक नई पड़ोसन रहने आई, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रीपोजिशन। उसके पड़ोस में एक नई पड़ोसन रहने आई, नाम में देखो पड़ोसन प्रीपोजिशन, इसकी जिंदगी में एक आ गई, ये है पड़ोसन, नाम से देखो पड़ोसन प्रीपोजिशन, ठीक है। अब नई पड़ोसन रहने आई इसके साथ में, ठीक है, अच्छा, अब ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, अब ये सोचता है कि कब तक हम घर के दाल चावल खाएं, कभी तो राजमा चावल भी होना चाहिए, हाँ कि ना, कभी ना कभी तो राजमा चावल भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ये सोचता है कि यार ये तो है नहीं, अब वहां से देखो कितना बढ़िया वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, कच्चा बादाम खूब बिक रहा है वहां पे, जाए कच्चा बादाम खाए, ठीक है, ये हारमोनियम बजाने में एक्सपर्ट है ना, इसके अब्बा हारमोनियम बजाते हैं ना, तो भाई वाला सीन है यहाँ पे। अब ये जो है इसकी तरह थोड़ा थोड़ा, अब ये समझ रहा हैवी ड्राइवर एक नंबर का, अब जो है धीरे धीरे करके इस तरफ इसका झुकाव चालू हो गया, डेली अब ये राजमा चावल पे ले, अब जो है इसकी जिंदगी में आ गई खुशियां वापस। लेकिन 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 एक शादीशुदा मर्द ज्यादा समय तक खुश रह सकता है? कमेंट करके बताओ, रह सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, यह कैसे रह लेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब इसका ना एक दोस्त होता है जो कि दुश्मन से कम नहीं होता, जैसे हमारे सत्या के भी है कई सारे दोस्त जो दुश्मन से कम नहीं है, ठीक है। एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल, क्या नाम होता है? आर्टिकल, यानी कि फ्रेंड होता है, ग्रामर की नजर में ये क्या है, इसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, ये दुश्मन से कम नहीं होता, राजीव सर के कोई फ्रेंड है, दुश्मन से कम नहीं होते। इसने देखा अरे इसकी जिंदगी में खुशियां कैसे आ गई है, मेरे जीते जी इसकी जिंदगी में खुशियां कैसे आ गई, अभी बताते हैं। अच्छा हम यहाँ पे सेटिंग मार रहे थे, तुम पहले भिड़ा लिए, अभी बताते, तुम तो शादीशुदा हो, अभी जाते हैं भाभी को बताते हैं। सीधा पहुंच गया भाभी के पास, भाभी जी घर पे है, सीधा भाभी को जाकर के, अरे भाभी जी घर पे है, सुनती हो, देखो आपके हस्बैंड की जिंदगी में खुशियां आ गई। ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे रहते कैसे खुश हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? है वो बेचारे की जिंदगी में चार दिन की चांदनी आई थी, है कहते हैं ना घर की दुर्गी माल बराबर, सॉरी घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब जो है ये सोचे कि भाई कब तक दाल चावल का, कभी राजमा चावल हो, बेचारा राजमा चावल पिल रहा है। अब यहाँ पे इसको पता चल गया कि अच्छा राजमा चावल चल रहा है, अभी बताती हूँ, मेरे रहते खुशी कैसे आ सकती है उसकी जिंदगी में, अभी आती हूँ। ये अपना सारा काम धाम छोड़ करके आई और इन दोनों के कहां पे आ गई, बीच में, अब खा के दिखाओ तुम राजमा चावल, अब खाओ, अब बताओ, तुम्हें लपेट करके यही मारेंगे, यही पटक के मारेंगे, चल समझे, वो वाला कॉन्सेप्ट था, राइट भैया। अब वाइफ के मतलब उसका वाइफ में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि अगर वो एक बार घूर के देख ले तो दाल चावल में से भी मटर पनीर की खुशबू आती है। वाकई में राजीव सर ने बताया था मुझे एक बार, ये एक्सपीरियंस अपना, राजीव सर हो गए, संदीप सर हो गए, मनीष सर हो गए, महिपाल सर हो गए, ठीक है, इन सब से कोई पूछिएगा, कितनी ज्यादा ताकत, इतनी शक्ति होती है वाइफ में कि एक बार घूर करके देख ले तो भैया दाल चावल में से भी बिल्कुल कसम से कतई पनीर, मटर पनीर की खुशबू और राजमा चावल का स्वाद, कतई मौज आ जाती है, ठीक है। तो अब जो है ये आके इसके बीच में, अब बेटा मैंने जो इतने लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने आपको रामायण सुना, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि शादी मत करो? अरे भैया वो सीखने को नहीं मिला, नलायको यहां पे आओ, ये क्या सीखने को मिला ध्यान से सुनो, यहां पे जो फॉर लिखा है ये क्या है सर, प्रीपोजिशन,
ठीक है, जब हमारे पास नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो ये एडजेक्टिव उठ करके दोनों के बीच में आ जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ के देखो एक बार, ये एडजेक्टिव उठ करके दोनों के बीच में आ जाएगा। सेंटेंस पढ़ो, क्या बना? महाराणा प्रताप वॉज द किंग फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। पढ़ के देखो सेंटेंस, बना कि नहीं बना? गैर सर अपना बिल राजीव सर पे फाड़ रहे हो? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मुझे आपका भी एक्सपीरियंस झलक रहा है सर। ना ना बेटा प्रियांशी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सत्तू घबरा रहा है कि सर जी ऐसा होता है, कल तक बेचारा परेशान था, मेरी शादी नहीं हो रही, अब खुश है कि अच्छा है शादी नहीं हुई। चलो देखो, ये थोड़ा सा फनी वाला तरीका था कि आपको मैं सिखा पाऊं। अब बताओ ये तरीका कैसा लगा? ठीक है, आपको अल्टीमेटली घुमा फिरा करके यही पहुंचाना था कि इंग्लिश का नियम ये होता है। बताओ क्लियर हुआ? बिल्कुल, नाम सिर्फ राजीव सर का है, कहानी सर की लग रही है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। वाह क्या एग्जांपल है, चलो बढ़िया, मौज कर दी। मुझे लगता है कि ये वाला एग्जांपल आज तक का, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है ना आज तक का, मतलब इतने महीनों में, उसमें सबसे तगड़ा वाला एग्जांपल मैंने लग रहा आज ही अपने पिटारे में से खोल के निकाला है ना। माल में कुछ डाला है, नहीं दाल में कुछ काला है। मौज कर दी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारे शादीशुदा लोगों को ये समर्पित ये वाला नियम। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये जो छपरी, ये जो जितने भी ये है जो शादीशुदा नहीं है, ये जो इतना हंस रहे हैं, अब जरा इनको भी लपेटते आ जाओ। इनके ऊपर भी एक नियम है, इंग्लिश के साथ तो खेलते हैं हम फुटबॉल की तरह। ठीक है, सबके बना रखे हमने नियम कानून, जो कि आप लोग रट रट के पढ़ते थे ना, अब रटना कुछ नहीं है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। एक और दिखाते हैं। एक और, दे आर द डिवोटेड पीपल टू देयर वर्क। ठीक है, एक ही आया, एक और। लगता है सर आप किसी की शादी नहीं होने देंगे। राजीव सर भी आ गए? ओ भाई साहब, राजीव सर ना आ जाए ग्रुप अभी कमेंट में, वो देख लेंगे ना मेरी क्लास में, राजीव सर का एग्जांपल धो धो के मार रहा हूं अभी, वो कमेंट बॉक्स में आए, कहेंगे सर जी मैं आ रहा हूं, रुको आप जहां पे भी हो आ रहे हैं अभी, हम पिटाई करेंगे तुम्हारी। एक और अब ले लेते एक एग्जांपल किसका, ये सबसे ज्यादा हंस रही है पुत्री प्रिया। चलो प्रियांशी किल्ड अ फेरोशियस लायन विथ हर गन। ले बेटा, आज तक मच्छर मारा तुमने है? तुमसे देखो शेर मरवा रहे हम, आंसर बताओ जरा। सर अगर ऐसा है तो मैनू नहीं करनी शादी, जिसने मैं उसे बताया उसे पाओ के खाने बढ़िया है, मैं बना दूसरा बना के खा ले। सही बात है, ना करिए भैया, हम सत्तू को समझाते रहते, कहता है सर जी ये हमें तो करनी है, बेचारा अलग परेशान है, अब भी टेंशन। फटाफट कीजिए, तुम लोग डराया मत करो, कह रहे सर राजीव सर भी आ गए कमेंट बॉक्स में। अच्छा एग्जांपल भी परफेक्ट लिया है, इसको डेयरिंग पसंद है। सही बात है सर, कभी मेरा नहीं लेते हो नाम। हाँ बेटा बिल्कुल, आपका नाम लिया ना मैंने, निधि। चलो फटाफट कीजिए, मुझे लगता है आज की जो मेरी क्लास है ना, वो मेरे इतिहास की यानी एग्जामपुर के इतिहास की सबसे खतरनाक क्लास आज ही लगी है, मतलब इतना तगड़ा वाला एग्जाम्पल आज ही लिया है मैंने। चलो आंसर कर लिया इसका, और इसका भी कर लो, तीनों का करना है, एक का करके छोड़ दिया। ठीक है, ये फालतू के दिन हमारे काम के नहीं होते। ओरे भैया, हाँ राजीव सर पायलागू, राजीव सर आ गए भाई, राजीव सर की कल क्लास है कोई, ठीक है सराफत के साथ सारे बच्चे राजीव सर की क्लास जरूर अटेंड करना आज रात 10 बजे। ये तो सच में आ गए राजीव सर, राजीव सर को याद कर रहे थे। देखो बच्चों,
राजीव सर, राजीव सर आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे, सारे बच्चे एक बार राजीव सर को नमस्ते बोलियो, ठीक है। राजीव सर को हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए भी राजीव सर के ऊपर, और हमने बहुत अच्छी चीज पढ़ाई है ना। चलो तो रात के 10 बजे राजीव सर का की क्लास है, ठीक है। तो कोई बच्चा अटेंड करना भूले ना बिल्कुल भी, सभी बच्चे अटेंड करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और राजीव सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था आपका कमेंट जो भी था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आपने अभी क्लास खोली है ना राजीव सर, फिर ठीक है, फिर ठीक। आप बताते इसका सही जवाब क्या होगा। अरे तुम लोग कह ही रहे थे कि राजीव सर आएंगे, राजीव सर आएंगे, राजीव सर सच में पधार गए हैं। और राजीव सर सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या किया मैंने जो बच्चे मेरे लिए इतना बेताब हो रहे थे। चलो देखो, दे आर द डिवोटेड पीपल टू देयर वर्क, यहां पे तो कंफर्म था कि ये फेमस को उठाओ और यहां पे लगा दो। उसके बाद यहां पे दे आर द डिवोटेड पीपल, तो यहां से क्या करो, डिवोटेड को उठाओ और यहां लगा दो, दे आर दैट पीपल डिवोटेड टू देयर वर्क। लेकिन सर यहां पे फिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, करके देखना एक बार, क्या आप यहां पे ऐसा कर सकते हो कि फिरोसिस को उठाओ यहां लगाओ, पढ़ के देखना एक बार। प्रियांशी किल्ड द लायन फिरोसिस विथ हर गन। अरे वो कह रहे एग्जाम्पल तो याद है, टेंशन नहीं आ जा रहा कि सर का एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब राजीव सर ने क्लास देखी है, इसका मतलब राजीव सर ने क्लास पूरी देख ली इससे पहले की। चलिए आप देखो ये सारे बच्चे, अब आप जो मेरे को रोस्ट करने वाले हो सर, अब ये सारे बच्चे 10 बजे वाली क्लास में तक जान चली जाए, डाटा खत्म हो जाए, लेकिन क्लास जरूर आएंगे, देखिएगा बदला पूरा लिया जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया था। अब देखो ये वाला थोड़ा सस्पेंस छूटा, प्रियांशी किल्ड अ फेरोशियस लायन विथ हर गन। अब देखो यहां पे अगर आप ये वाला नियम लगाते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि आपका ये सेंटेंस ऑलरेडी ही सही है, ये सेंटेंस पहले से सही है। तो अब अगर आपने नियम जाना है तो एक्सेप्शन भी जानो, नियम जाना है तो एक्सेप्शन भी जानो, है ना। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, बिल्कुल राजीव सर बिल्कुल बदला लीजिएगा, ठीक है बिल्कुल। संदीप सर का, मनीष सर का, महिपाल सर का, नैन्सी मैम का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, यानी कि राजीव सर। हाँ मतलब मैं तो देखो एक दो को रोस्ट करता हूं, सबको नहीं करता, कभी कभी बच्चों को, कभी कभी आप लोगों को, है ना, ये तो प्यार है हमारा, प्लीज मेरे को मत करना रोस्ट। प्रियांशी किल्ड द फेरोशियस लायन विद हर गन, ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है, लेकिन क्यों सही है वो समझना। यहां पे सर हमने इस एडजेक्टिव को पीछे क्यों नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा, इस एडजेक्टिव को पीछे क्यों नहीं लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको जो बताया यहां पे कि भैया ये जो राजीव सर थे, यानी कि जो हस्बैंड है, ठीक है भाई, वो जब अच्छा खासा नई पड़ोसन प्रीपोजिशन के साथ इसका अच्छा खासा मतलब राजमा चावल चल रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया है ना, तो काचा बादाम चल रहा है, तो फिर यहां पे ये एडजेक्टिव यानी कि जो वाइफ थी उठ के दोनों के बीच में आई थी, लेकिन उस सेंटेंस में क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि बेटा इसको तभी तो ये वहां आएगी जब ये शादीशुदा है, अभी निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट चल रहा है मान लो, है ना, ये चली गई किसी दूसरे देश रहने या दूसरे स्टेट में रहने चली गई, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये कहीं और रहने चली गई या स्कूल छूट गया या अलग हो गया है ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसको नहीं मिल गई, अब नहीं मिल गया, उसको क्या टेंशन है भैया, मैं नहीं आया तेरे पास, चल तक दूसरा मिल गया, उसको अलग, वो अलग ये अलग, उसको क्या मतलब इससे, यानी कि इस केस में ये उठ के यहां नहीं आएगी, शादीशुदा तभी उठ के आएगी यहां पे, ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझे, मैं बताता हूं कारण, देखो क्या होता है, ये तो बात रही मजाक की, मुद्दे पे आओ, असली बात क्या थी, आपने इस सेंटेंस में से एडजेक्टिव को मिटा के पढ़ो एक बार, यहां से फेमस को मिटाओ, यहां से डिवोटेड को मिटाओ और यहां से फिरोशियस को मिटाओ, एक बार पढ़ के देखो कौन सा गलत है कौन सा सही है। डिवोटेड एडजेक्टिव है ये, अरे डिवोटेड बेटा, डिवोटेड एडजेक्टिव होता पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा ठीक है, चलिए देखो यहां से अगर आप फेमस वाला वर्ड मिटा देते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि महाराणा प्रताप वॉज द किंग फॉर हिज ब्रेवरी, गलत। यहां से डिवोटेड मिटा देते हो तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर आप यहां से मान लो डिवोटेड मैंने मिटा दिया तो क्या बना, दे आर द पीपल टू देयर वर्क, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाओ, अगर मैं यहां से फिरोशियस को मिटा देता हूं, मान लो अगर मैं यहां से फिरोशियस को मिटा देता हूं तो क्या सेंटेंस गलत है, अभी भी सेंटेंस सही है, यानी कि प्रियांशी किल्ड द लायन विद हर। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा ये उठ करके बीच में सिर्फ तभी आएगी जब ये वाइफ बन चुकी हो, यानी कंपलसरी है अब, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। मतलब अब जो आप ज्यादा हो गया ना, ठीक है, अब यानी कि अगर इसको सेंटेंस से हटा भी दे, अगर सेंटेंस से इसको हटा भी दे तो भी सेंटेंस ठीक है हमारा,
कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव को मिटाने के बाद भी, एडजेक्टिव को मिटाने के बाद भी अगर सेंटेंस जिंदा है, अगर इसको मिटाने के बाद भी सेंटेंस सही है तो बेटा इसको बीच में नहीं लगाना, लेकिन अगर इसको मिटा के सेंटेंस गलत हो जाता है तो इसको बीच में लाओ। अब क्लियर हुआ हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी, क्लियर हुआ हाँ कि ना। अब आपको समझ में आया कि नियम और उसका एक्सेप्शन, नियम और उसका एक्सेप्शन दोनों बातें क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट कीजिए एक बार। आज बेटा रात के 10 बजे वाली क्लास में राजीव सर हमारा तगड़ा एग्जांपल लेने वाले, रोस्ट करेंगे तगड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये कभी भी छोड़ते नहीं है, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा तब फैजल, ये वही वाला ये फॉलो करते नियम, ठीक है, महिपाल सर का, संदीप सर का, मनीष सर का, नैन्सी का, सबका बदला लेगा तेरा राजीव सर है। चलिए सुथर सुथर क्लियर है, यस सर, इतना बड़ा सर लिखते हो बेटा, किसी ने लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया, फिर से लिख दो जरा। ठीक है ठीक है, सोनी चौधरी झिंगालाला, अरे कैसा नाम है, सोनी चौधरी झिंगालाला, ओके दैट इज क्लियर सर, बहुत बढ़िया। पुष्पा, पुष्पराज, राम राम सर, किसका किसका नहीं क्लियर है, बहुत अच्छे, नाजवीन खातून क्लियर सर, नेहा भट्ट क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए भैया, इससे खतरनाक वाला एग्जाम्पल मैंने, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले दिया होगा आपको, नहीं, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं मामला, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मामला, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, अब आपकी क्लास होने वाली है किनकी, तो आपके प्यारे चहेते किनकी, तो मनीष सर की क्लास होगी, ठीक है, मनीष सर की क्लास होगी। देखो हमने इनके इनका नाम एक बार भी एग्जांपल में नहीं लिया था, तो ये सर हमारे रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रोस्ट कौन करेगा, तो राजीव सर करेंगे, ये आपके प्यारे मनीष सर, ठीक है, तो अब इनकी क्लास होगी। नमस्कार दोस्तों, 9 बजे जोड़ना मत भूलिएगा, और 10 बजे राजीव सर की शानदार क्लासेस होंगी, और आरके मेहतो सर जो है शानदार तरीके से क्लास का समापन कर चुके हैं, अब हम लोग आज कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है सर, ब्लैक करेट, कर्नाटक राज्य, हाँ तो बेटा जुड़ना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि यहाँ पे कोई भी बच्चा जिसने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, कोई भी एनडीए या कोई भी आपका स्टूडेंट दोस्त हो, तो ड्रीम 45 लगा करके 45% डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत।